अक्षय अगस्त्य कावड़ से महाप्राण की कथा जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर तिलदा नेवरा में चल रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु जी ने तीन नियम अपनी जिंदगी में उतारने के लिए बताए हैं। पहला नियम है कि हमें जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत जरूर से रखें। और दूसरा नियम है प्रत्येक प्रदोष के दिन एक दिया शंकर जी के मंदिर में जरूर से लगाएं और दूसरा दिया अपने घर के दरवाजे पर जरूर से लगाएं। और तीसरा नियम आप गुरु जी से ही सुनिए। दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य होगा प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया, ये चार स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। चार पांच शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बन कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाकर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में चार पांच चावल के दाने डालकर लेकर आना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़ कर बाहर कर सकता है तेरे। उसके भरोसे पर चल, एक आनंद के साथ। तीन नियम अपनी जिंदगी में बना लो, ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल, सावन के महीने में, तो ये नियम तो तुम्हारा रोज का है शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने, मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है, तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आए। एक भरोसे के साथ जाओ मंदिर, दृढ़ता के साथ, दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना, कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपने ज्ञान मत बताना, गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे। अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो, पर अपने माँ बाप के आगे, भगवान के आगे और गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत चढ़ाया, तब बता, पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत, भगवान के सामने उसकी गलती जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ये नीनों को मारने के लिए देव अजय महादेव से प्रार्थना कर निवेदन किया, प्रार्थना कर निवेदन कर, बाबा
भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं, ये सारे के सारे पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन, मेरा नाम होगा पशुपति,